गाइस तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास ट्वेल्थ यानी कक्षा 12 के केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन यानी विलयन का थर्ड लेक्चर लेकर। गाइस इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोलरता के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोलरता क्या होता है और इसे कैसे व्यक्त किया जाता है, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण मोलरता पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, और वे क्वेश्चन करेंगे जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मोलरता तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते ही हैं, लेकिन साथ साथ में मोलरता पर आधारित जब आके आप लोग अणुसंघ गुणधर्म पढ़ेंगे वहाँ पर भी मोलरता का यूज होगा। इसलिए सभी लोग पूरे ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ में समझना। अगर एक बार आप लोग समझ जाएंगे कि मोलरता कैसे ज्ञात किया जाता है और कैसे इसका न्यूमेरिकल किया जाता है तो आगे आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो गाइस चलिए आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट डेली रेगुलर एक लक्ष्य बनाकर अपने बोर्ड में 90+% के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और डेली क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं वे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें और संकल्प लें, जब तक पूरे सिलेबस की तैयारी नहीं करेंगे, जब तक 90+ की तैयारी नहीं करेंगे तब तक अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करेंगे और पूरी तरीके से अपना जान झोंक कर पढ़ाई करते रहेंगे। और सभी लोग माँ शारदे का, माँ सरस्वती का नमन करें और फिर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ में मैं जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें बता दूं, मैं आपको डेली क्लास का PDF भी देता हूं। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में दे दिया जाता है। साथ में आपको अगर डेली लेक्चर्स का जो फुल PDF होता है उसे प्राप्त करना है तो आप मेरे बेंजीन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री में है, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर है, ऐप पर है। और जल्दी मैं आपका ऐप पर टेस्ट, असाइनमेंट टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, DPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, ये सभी चीज़ें आपको देने स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों की बोर्ड की तैयारी, आपके ट्वेल्थ की तैयारी एक बेहतरीन तैयारी हो सके, ताकि आप लोग तैयारी के साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर सकें। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, देखिए अगर एक चैप्टर पढ़ाकर उसी का आप टेस्ट लेने लगेंगे तो टाइम खामोखा खराब होगा। 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद अगर टेस्ट लेंगे तो चीज़ें आपको दिमाग में जब भूलेंगी, यानी आपके दिमाग से जब धीरे धीरे चीज़ें उतरेंगी, तब अगर आपका टेस्ट लेंगे तो चीज़ें आपको तैयार होंगी अच्छे तरीके से। जो भी टॉपिक होगा आप उसे तैयार करके देंगे तो वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। इसलिए मैं थोड़ा एक स्ट्रेटजी के थ्रू टेस्ट थोड़ा लेट ले रहे हैं, तो सभी लोग जैसे मैं कर रहा हूँ केवल वैसे जुड़कर डेली पढ़ाई करते रहिए, निश्चित रूप से आप बोर्ड में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। तो गाइस चलिए हेडिंग करिएगा सभी लोग, मोलरता। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था मोलरता क्या होता है, बताया था ना। जरा एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में मोलरता का डिफिनेशन कमेंट करें। मोलरता हेडिंग करेंगे सभी लोग, मोलरता, मोलरती। सभी लोग एक बार मोलरता का डिफिनेशन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो सभी लोग कमेंट करें मोलरता का डिफिनेशन। देखिए मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मोलरता किसे कहते हैं, साथ में मोलरता का जो मैंने यूनिट बताया था, उस जो मोलरता का जो आपका मात्रक होता है वह भी नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करेंगे एक बार। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी विलयन मोलरता क्या होता है, किसी भी विलयन की मोलरता क्या होती है। किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। डिफिनेशन लिखिएगा सभी लोग, किसी भी विलयन के, किसी भी विलयन के 1 लीटर में, बात को ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। डिफिनेशन समझिएगा सभी लोग, इतना 60 मिनट डिफिनेशन, बात को समझिएगा। कोई भी विलयन है उसके 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, विलयन की मोलरता कहेंगे। या अगर विलयन की मोलरता का हम लोग फार्मूला लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं विलयन की मोलरता, अभी मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल को सेकेंड ओवर में कर सकते हैं, बस आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। देखिए विलयन की मोलरता क्या होता है, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या
मोलों की संख्या बटे विलयन की आयतन, विलयन का आयतन कोष्टक में लीटर में। क्या मोलरता इज इक्वल टू क्या होता है? विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, यानी एक लीटर में जो विलेय की पदार्थ जो घुला होगा उसमें उसके मोलों की संख्या। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मोलों की संख्या कैसे याद किया जाता है, परेशान मत होना, पूरा पैकेज है इसमें। आपको आज के इस लेक्चर के बाद मोलरता के बारे में आपको कहीं भटकना नहीं होगा, लास्ट लेक्चर है आप सभी के लिए, इसके बाद मोलरता में आप हीरो बन जाओगे, बस देखना है। यहाँ पे देखो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो और लिखो कमेंट बॉक्स में, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, नीचे लिखो विलयन का आयतन, इसे लिखो नीचे कमेंट बॉक्स में, सभी लोग लिखो विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ये विलयन का मोलरता का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसे कैसे लिखना है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम लोगों के सामने आती कि विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करें। हालांकि अगर आप लोग क्लास 11th में पढ़ाई किए होंगे तो आपको मालूम होगा, वैसे अगर नहीं मालूम है तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिन्हें मालूम है एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए विलेय लिखिए, यहां पर विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या क्या होता है, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। देखिए कोई भी विलेय पदार्थ है उसका द्रव्यमान लेते हैं और नीचे उसके अणु भार से भाग दे देते हैं। मान लीजिए आपके पास NaOH है, क्या है NaOH है, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह जल में घुला है, NaOH का 40 ग्राम जल में घुला है, 40 ग्राम, इसके अगर मोलों की संख्या आपको ज्ञात करना है तो ऊपर क्या लिखेंगे, 40 ग्राम जितना घुला है ग्राम में मात्रा लिखेंगे, नीचे NaOH का अणु भार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अणु भार। अणु भार कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए आपको ज्ञात करना होगा, याद करना होगा परमाणु जो आपका पीरियाडिक टेबल होता है आवर्त सारणी, उसमें से आपको सभी का जो परमाणु भार होता है उसे याद करना होगा। और मैं आपसे कहता हूँ याद मत करना, क्यों नहीं याद करना, क्योंकि देखिए आप बस डेली पढ़ाई करते रहना जुड़कर, धीरे 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 जैसे जैसे आप लोग लास्ट में जाओगे, आगे पी ब्लॉक है, वैसे वैसे आपको चीज़ें याद होती जाएंगी, डी और एफ ब्लॉक धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी, आप केमिस्ट्री के हीरो बन जाओगे, ठीक है। बस आप लोग पढ़ाई रेगुलर करते रहना, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक क्लास एक लेक्चर देकर कोई बोर्ड में 90+ नहीं लाया और नहीं ला सकता है। 90+ लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है पूरे सिलेबस की, ठीक है। बात समझना है, NaOH का अणु भार कैसे ज्ञात करेंगे, NaOH के अणु भार को ज्ञात करने के लिए, NaOH के अणु भार को याद करने के लिए आपको सोडियम का जो परमाणु भार होता है उसको लिखना पड़ेगा, जो कितना होता है 23 होता है, ये सोडियम का होता है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के परमाणु भार को लिखना पड़ेगा 16 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के परमाणु भार को लिखना पड़ेगा, अणु भार को लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है 1 होता है, अगर इसे आप लोग लिख के जोड़ोगे तो 40 आएगा ना। अब क्या करोगे, 40 यह अणु भार है तो 40 से भाग दोगे तो 1 मोल निकल कर आएगा। बात समझ में आई, किसी भी विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए विलेय पदार्थ के ग्राम में भार में भाग दे देते हैं विलेय पदार्थ के अणु भार से, आणविक द्रव्यमान से, ठीक है, उसे आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कोष्टक में लिखना ग्राम में, किसमें, ग्राम में लिखते हैं, ग्राम में, ठीक है। नीचे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, बताइए जरा, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान का आणविक द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, इसे लिखेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये विलेय पदार्थ के ग्राम में भार, इसको स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित कर देते हैं, विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान को कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम से प्रदर्शित कर देते हैं, स्मॉल एम से डब्ल्यू प्रदर्शित कर देते हैं, ये विलेय की मोलों की संख्या हो गई, क्या हो गया, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या होगा, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या क्या है,
हमने इस फार्मूले से प्रदर्शित किया। अभी मैं आपको ऐसा फार्मूला, ऐसा सूत्र बताऊंगा और ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हर एक न्यूमेरिकल को चुटकियों में कर लोगे। बस बने रहना सभी लोग। यहाँ पे देखिए, विलेय पदार्थ के ग्राम में भार, जो ग्राम में भार है ये ग्राम में लिखा जाता है, इसे यहाँ पे ग्राम में लिख दीजिएगा। और यहाँ देखिए, विलयन का आयतन जो होता है, विलयन का आयतन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं, यानी बी हो गया। ठीक है, अब देखिए फाइनली हम आपको एक फार्मूला देने जा रहे हैं जो कि मोलरता का फार्मूला है, जिस पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। वह फार्मूला क्या है, देखिए मोलरता जो होता है इसको यम से प्रदर्शित किया जाता है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं भूल गया, मोलरता को कैपिटल यम से प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं आप लोग, कैपिटल यम इज इक्वल टू, देखिए ऊपर क्या है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल यम, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल यम। ठीक है, अब देखिए स्मॉल डब्ल्यू में है, स्मॉल डब्ल्यू जो है किसमें है, ग्राम में है। ठीक है, नीचे क्या होता है, नीचे क्या होता है, विलयन का, नीचे क्या होता है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन को हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। और यह भी किस में होता है, विलयन का आयतन लीटर में होता है, विलयन का आयतन किस में होता है, लीटर में। आपको यह फार्मूला याद करना है, इसी फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। इस फार्मूले को याद नहीं करना है, समझना है, समझना है ऊपर क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू किसका मतलब होता है, स्मॉल डब्ल्यू मतलब जिसमें कोई चीज घुला होता है, उस जो विलय होता है उसकी मात्रा, और भी किसमें, ग्राम में। अगर किलोग्राम में देता है उसे ग्राम में चेंज करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए किससे भाग देते हैं, जरा बताओ किससे भाग देते हैं या किससे गुणा करते हैं, जरा बताओ सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये तो एक दो में पढ़ाया जाता है ना, ग्राम को किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में इसमें चेंज करने के लिए, जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में दे दिया तो उसे ग्राम में बदलने के लिए क्या करने वाले हो आप, नीचे देखना, स्मॉल यम, स्मॉल यम को मैंने बताया, जैसे NaOH में Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐसे ही आपको सबका आणविक द्रव्यमान जोड़कर निकालना पड़ता है। भी मतलब आयतन, जो कि पूरे विलयन का आयतन होगा, उसको आपको नीचे रखना पड़ेगा। इस तरह से रखकर आप आसानी से विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बात आती है, विलयन की जो मोलरता होता है उसका मात्रक क्या होता है, उसे लिख लेते हैं। मोलरता का मात्रक जिन्हें आता है वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, ये मोलरता का मात्रक होता है, ये मोलरता का मात्रक होता है। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, जो कि नोट करके लिखिएगा, नोट, एक मिनट जाने दीजिए, पहले हम लोग न्यूमेरिकल करा लेते, नहीं लिख लीजिए नोट, ठीक है, नोट करके लिखिएगा। नोट करके क्या आपको लिखना है, नोट करके क्या लिखना है, जरा सुनिए आप सभी लोग, देखिए आपको नोट करके लिखना है कि अगर कोई विलयन है, जब कोई विलयन है जिसकी मोलरता यम वन है और आयतन भी वन है, देखिए कोई विलयन है उसकी मोलरता यम वन है और आयतन भी वन है, ठीक है, दूसरा कोई विलयन है उसकी मोलरता यम टू है और आयतन भी टू है, एक दूसरे को मिला लिया जाता है। बात को समझना, दो गिलास है आपका, एक गिलास यह है, दूसरा गिलास यह है, दोनों गिलास में पानी या कोई विलयन भरे गए हैं। इस गिलास में जो पानी या विलयन है उस इस गिलास के विलयन की मोलरता यम वन है और आयतन भी वन है, इस गिलास की मोलरता यम टू है और आयतन भी टू है, इन दोनों को आपस में एक बड़ा सा लोटा लेकर मिला लिया जाता है। बात को समझना सभी लोग, दो गिलास है, गिलास की मोलरता यम वन और आयतन भी वन, मोलरता यम टू और आयतन भी टू, दोनों गिलास को एक बड़े से लोटे में डालकर मिला लिया जाता है। उस बड़े से लोटे की, लोटा जो बड़े लोटे में डाले हो, मिलाए हो, उसकी मोलरता क्या होगी, क्या होगी, जरा बताओ क्या होगी, ध्यान सुनना क्या होगी। देखिए इसका यम वन भी वन ये मोलरता प्लस यम टू भी टू ये दोनों बराबर होगा इसके यम थ्री के और वी वन प्लस वी टू के, यानी यहाँ से आप यम थ्री का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बड़े लोटे की मोलरता, दोनों विलयन की मोलरता हो जाएगी। वी वन वी टू इन दोनों को आपस में मिलाकर जब इसमें रखा जाता है, इसकी मोलरता निकल जाएगी। अगर क्वेश्चन में ऐसे कहता तब,
बात समझ में आई। क्वेश्चन में कहता है कि एक यमोन मुलरता की भी आयतन का एक कोई विलयन है, यम2 मुलरता का भी2 आयतन का कोई विलयन है, उसे मिलाकर किसी लोटे में या किसी पात्र में रखा जाता है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, V1 बी प्लस V2। अरे यार सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, मेरा डब्बा कहाँ गया, इस डब्बे में, इस डिब्बे में 1 लीटर पानी है, इसी तरह से दूसरा डब्बा उसमें भी 1 लीटर पानी है, दोनों अगर कहीं पे मिलाएंगे तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 2 लीटर हो जाएगा। तो इस बात है दोनों का आयतन अपने से जुड़ जाएगा, और जब मिलाने के बाद जो मोलरता होगा ना वह M3 होगा, जो कि अलग अलग के मोलरताओं की योग के यमोन V1 के बराबर होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये बार बार ये कहीं अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा, लगेगा वहाँ पे, ठीक है। एक और पॉइंट से मोलरता तथा मोलर नॉर्मलता में संबंध, इसको हम बताते हैं आपको, हेडिंग करिएगा, जाने दीजिए, इसको हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिए, अगर इतना कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। लिख लीजिए सभी लोग, स्क्रीन शॉट वगैरह ले लीजिए, वैसे मैं PDF देने वाला हूँ, रंगीन PDF बेहतरीन तरीके से, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम रब करते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लिखते हैं, एक मिनट, हम रब करते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लिखते हैं जो मुझे समझाने हैं। तो गाइस देखें, यहाँ पर आप सभी के सामने 3 के 3 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। अब तीनों न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं और फाइनली ये जानते हैं कि विलयन की मोलरता ज्ञात कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ वह फार्मूला, कि देखिए मैंने आपको क्या समझाया था कि किसी भी विलयन की मोलरता के लिए फार्मूला होता है M मोलरता इज इक्वल टू w, जो कि विलय का ग्राम में भार होता है, ठीक है, अपान नीचे होता है m, जो कि आणविक द्रव्यमान होता है, सभी के नीचे होता है आयतन भी लीटर में, आयतन भी लीटर में, आयतन भी लीटर में, ये सभी के लिए फार्मूला होता है, ये मोलरता का फार्मूला होता है। मैंने आपको समझाया था, बताया था, बोलो बताया था, समझाया था ना, समझ में तो आया था कि नहीं आप लोगों को? अगर आया था तो एक बार हाँ कर देना भाई। देखो ईमानदारी से पढ़ाया जाता है यहाँ पर, यहाँ पर ईमानदारी से जो भी चीज़ें कर जाती हैं हमेशा 100% की जाती हैं। मैं ये कहता हूँ दूसरों की तरह, अगर चाहता तो चैप्टर को एक सर्रे में ख़त्म कर सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य है जो पढ़े वह आना चाहिए, जो पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आना चाहिए, जो नहीं समझ में आता है आप हक से पूछ सकते हो मुझसे। पूछने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हो, हक से पूछ सकते हो आप सभी लोग, मैं आपको बताऊँगा जो भी चीज़ें नहीं समझ में आता है। और मैं बता रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट हमसे पूछते भी हैं, और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि अगर टेलीग्राम पर वो हमसे कुछ पूछा है मैं उसका रिप्लाई नहीं किया हूँ, जवाब नहीं दिया हूँ, भले ये डेली हज़ारों स्टूडेंट करते हैं, मैं बता रहा हूँ डेली हज़ारों स्टूडेंट पूछते हैं, लेकिन हज़ारों स्टूडेंट का मैं रिप्लाई दिलवाता हूँ या फिर खुद देता हूँ। बात समझ में आ रही सभी को? आपको पूछना पड़ेगा जो नहीं समझ में आता है, पूछोगे तभी आगे बढ़ोगे। मैं कहता हूँ उठाओ कलम और कापी, पढ़ाई करो, मेहनत करो, जब तक कि आप अपने लक्ष्य 90%+ को प्राप्त नहीं कर सकते हो। देखो मेरे तरफ से पूरी ईमानदारी से मेहनत की जा रही है, और आपको मैं बता दूं अगर कोई भी मेहनत शिद्दत के साथ में किया जाता है, पूरा कायनात आपके साथ होती है, पूरा सभी लोग आपकी सपोर्ट करते हैं, मेहनत के साथ करना, ईमानदारी पूर्वक हर चीज़ को साइड करना, अगले 5 से 6 महीने में आपको अपना पूरा जान झोंक देना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं जो कि बहुत ही गलत है, ठीक है, आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं। उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है आपको, मोलरता ज्ञात करना है। कोई भी क्वेश्चन हो उसको पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि विलयन में ज्ञात क्या करना है, उसमें चीख चीख कर बोला होगा कि मोलरता ज्ञात करना है या मोलरता ज्ञात करना है, वो विलयन में बताएगा आपसे। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है, कीजिए जिसके 5 ग्राम 450 मिली में घुला हुआ है, 5 ग्राम NaOH 450 मिली विलयन में घुला हुआ है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस फार्मूले को लिखना पड़ेगा, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीकों को फॉलो करना, w ग्राम में बटे m अपान V, वो भी लीटर में, ठीक है, यह आपको लिखना है। सबसे पहले आप पहचानना इसमें w ऊपर होता है, तो इसमें w क्या है, w वह है जो कि घुला हुआ है, जो कि विलय पदार्थ है। आओ पढ़ो यहाँ पे क्या घुला है, यह NaOH घुला है, यह NaOH घुला है, और इसकी मात्रा कितना है, 5 ग्राम है, यानी ये W क्या है, 5 ग्राम, ठीक है, w क्या है, 5 ग्राम। अब m की बात करते हैं, यह क्या है, देख कोई भी आपको न्यूमेरिकल्स नहीं कराता है, सीधी सी बात है, अगर सही तरीके से कराया जाए तो आपको एक एक न्यूमेरिकल्स आएंगे, और मैं कह रहा हूँ आसानी से, जो भी आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो,
BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JNU, हर जगह आपका एडमिशन होगा, हर जगह आपका एंट्रेंस निकलेगा, केवल बस मेहनत अच्छे से करोगे तो। आप UPTU या बिहार का जो है या MP का कोई भी टेक्निकल एग्जाम है BTEC वगैरह करने के लिए आप आसानी से कर ले जाओगे। बस चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से डीपली जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं कर रहा हूँ आपके अभी बोर्ड के टारगेट कर रहा हूँ, बोर्ड के साथ साथ में मैं कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अभी नहीं करा रहा हूँ, केवल बोर्ड को मैं टारगेट कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताऊंगा, एक दिन अलग से वीडियो लाऊंगा कि जिन्हें अगर आगे नीट, JEE, IIT इन सभी की तैयारी करनी है तो उन्हें कैसे बोर्ड के साथ साथ में उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्या स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आपका अगर 100% सिलेबस ना है तो 100% आपके IIT नीट में पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड में इस 100% में से 60% ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए, जो कि आपको पढ़ना होता है। अगर आप इस 100% को पढ़ने लगेंगे तो जाहिर सी बात ये 60% भी उसमें पढ़ाएगा, लेकिन उतना इंटरेस्ट्री से आप वहाँ पर अपना पावर नहीं दे पाएंगे जितना केवल आप इस 60% को पढ़ने में देंगे। इससे क्या होगा, हो सकता है आपका ये निकल जाए लेकिन बोर्ड में परसेंटेज गड़बड़ हो जाता है, इसलिए पहले आपको बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, पहले आपको अपने बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए। बोर्ड के बाद में जैसे एग्जाम बीतता है, देखिए आपका 60% तो अच्छे से तैयारी होगी, बचा हुआ 40% आप जो बचे हुए समय में उसमें पढ़ लोगे आप, और आप आसानी से दोनों जगह फतह कर लोगे। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर स्मॉल एम क्या है आपका, स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम इसका NaOH का अणु भार, का अणु भार, NaOH का अणु भार, NaOH का अणु भार निकालते हैं, जिसमें Na, देखिए Na का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको जोड़ेंगे तो 40 आएगा। अब देखिए कैपिटल B का वैल्यू ज्ञात करना है। अब B क्या होता है, B होता है विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, यहाँ पे 450 मिली दिया हुआ है, 450 मिली दिया हुआ है, 450 मिली, इसे लीटर में चेंज करना पड़ेगा, और मिली को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करना करते हैं, किससे भाग करते हैं, 1000 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं मेरे भाई, 1000 से भाग दे करते हैं मिली को लीटर में चेंज करने के लिए, यानी 450 बटे 1000 करेंगे, ठीक है, इतना लीटर में। अब इस फार्मूले में रख दो, ये पहलू फार्मूले में रखते हैं, यहाँ पे देखिए W का वैल्यू 5 ग्राम, M का वैल्यू क्या है 40, नीचे B का वैल्यू क्या है 450 बटे 1000। अब भाई साहब इसे सॉल्व करना किसकी जिम्मेदारी है, इसकी सॉल्व करना किसके जिम्मेदारी, इसे सॉल्व कर देना सभी लोग, ये चुना से चुना कट जाएगा, 5 × 48 वन बटे 8 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे 45 है, आप इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा कितना, इसका ग्राम आएगा 0.278 m, 0.2278 कैपिटल m, ये कैपिटल यम जो होता है ये मोलरता बताता है, तो इस तरीके से हम लोग मोलरता ज्ञात करते हैं। बोलिए समझ में आया, अभी मैं सेकेंड फार्म क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो परेशान नहीं होना है, सेकेंड क्वेश्चन में आइए, सेकेंड क्वेश्चन में आजमाते हैं क्यों नहीं समझ में आएगा, आओ सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन से पढ़कर स्मॉल W, स्मॉल M का वैल्यू निकाला था और B का वैल्यू निकाला था, बाकी फार्मूले अपना आप काम कर दिया, ये फार्मूलास बाकी का काम कर डाला, ठीक है, यानी मोलरता निकालकर मुझे दे दिया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको हम लोग रब करते हैं। अब जरा सेकेंड क्वेश्चन सभी लोग अभी तुरंत निकालने शुरू करो, कमेंट बॉक्स में लिखो सेकेंड क्वेश्चन में स्मॉल W का वैल्यू किसका है, कौन सा स्मॉल W है। आइए सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें क्या है, 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला जा गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में क्या किया गया है, घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है, आओ पढ़ते हैं इसे क्या है। 15 ग्राम है, इसमें क्या घोला गया है ये जरा ज्ञात करो, क्या घोला गया है, KCl घोला गया, KCl क्या है, विलय है, आपको क्या का क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या घोला गया है विलयन में, KCl घोला गया है, KCl क्या है, विलय है, विलय है तो इसका ग्राम में मात्रा क्या, स्मॉल W क्या है, 15 ग्राम, 15 ग्राम, ठीक है, और 1 लीटर जल में घोला गया है, किसमें घोला गया है, 1 लीटर जल में घोला गया, यानी कैपिटल B का वैल्यू क्या है, 1 लीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल W का वैल्यू निकल गया, कैपिटल B का वैल्यू निकल गया, स्मॉल M का वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, KCl का अणु भार
केसीएल का अनुभार ज्ञात करेंगे। क्या होता है केसीएल का अनुभार, जरा मुझे बताओ सभी लोग, केसीएल का अनुभार क्या होता है, केसीएल का क्या होता है? देखिए पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39 और इसका होता है 35.5। भाई साहब पैसे होता तो तुरंत जोड़ लेते, इसका जोड़ो इसको ऐड करो कितना आएगा 74.5। ये आएगा इस्माल यम का वैल्यू। तो कैपिटल यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका इस्माल ग्राम 15 ग्राम हो जाएगा, अपन ये देखिए इस्माल डब्लू 74.5, नीचे देखिए आपका क्या है 1 लीटर, यानी बिलियन भी का आता है 1 लीटर। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मोलरता निकल के आ जाएगा। बोलिए मोलरता ज्ञात कर लोगे कि नहीं, दोनों हाथों को उठाकर एक बार सभी लोग लाइक के बटन को दबाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नो सर लिखना, बेशक आप नो सर लिखना, लेकिन हाँ साथ में टेलीग्राम पर जरूर हमसे पूछ लेना कि क्या प्रॉब्लम है, कॉल करके पूछ लेना टेलीग्राम पर, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल बी स्मॉल एम का वैल्यू ज्ञात करना है, उसे फिर सूत्र में रख देना है और बचा हुआ काम ये फार्मूला खुद ही कर देगा, मोलरता को निकाल कर आपके सामने रख देगा। थर्ड क्वेश्चन पे जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा रेंज में उसको ट्विस्ट किया है, उसके बाद हम लोग और एक टॉपिक और पढ़ेंगे तब फिर क्लास को लास्ट करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए हैं और हाँ मैं आपको क्लास के लास्ट में 2 से 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने वाला हूँ, सभी लोग करके आना उसे, ठीक है। चलिए इसको रब कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए जरा, कुछ अलग लग रहा है और आप लोग सीख रहे हो कि नहीं न्यूमेरिकल करने, जरा बताना सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्या 0.1 mm Na2CO3 को 500 मिली बिलियन में बनाने के लिए कितने ग्राम जल में घोलना पड़ेगा? देखिए 0.1 mm है, यानी ये मोलरता दिया हुआ है, जहां पर 1 mm दे, यानी यहां लास्ट में यम दे समझना, वो मोलरता दिया हुआ है, यानी कि यहां पर आपको मोलरता खुद ही पे खुद दे दिया है और ये बता रहा कि 500 मिली बिलियन बनाने के लिए, यानी यहां पर आयतन दिया है 500 मिली। भाई साहब मिली को पहले लीटर में बदलते हैं उसके बाद कुछ करते हैं, 500 मिली को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, ये लीटर हो गया भाई साहब, ये लीटर हो गया। कितने ग्राम जल, मतलब कितने ग्राम जिसमें जल में घोलना पड़ेगा, कितने ग्राम घोलना पड़ेगा, यानी स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू पूछा है आपसे, पूछा है स्मॉल डब्ल्यू नहीं दिया है, वही पूछा है कितना ग्राम घोलना पड़ेगा, ग्राम में मात्रा पूछा है, किसकी मात्रा, यानी ओएच की मात्रा, मतलब स्मॉल यम की मात्रा, स्मॉल यम। देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, मोलरता कैपिटल यम इज इक्वल टू होता है स्मॉल डब्लू ग्राम में बटे यम स्मॉल यम, नीचे कैपिटल भी लीटर में, कैपिटल भी लीटर में, ये होता है फार्मूला। अब देखिए स्मॉल यम, ये यम का वैल्यू तो 1 लीटर में दिया हुआ है, भी का वैल्यू आप ये निकाल लिए, भी का वैल्यू हो गया, और स्मॉल यम का वैल्यू Na2CO3 का अणुभार। अब देखना यहाँ पे ट्विस्ट क्या किया है, अणु भार, Na2CO3 का अणु भार, इसका अणु भार आप लोग निकालोगे, सोडियम का 23 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, सोडियम का 23 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका अणु भार निकालोगे तो कितना आएगा, ये शायद 106 आएगा। देखिए कार्बन का ये सोडियम का 23, 2 × Na2 2 है इसलिए 2 × 23 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा प्लस 16 × 3, ठीक है, 16 × 3 = 48 हो जाएगा, ये 12, 48 12 कितना हो जाएगा, जोड़ना जरा, ये 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 4, 49, ठीक है, ये जोड़ोगे आपका 106 आएगा शायद, ये 48 × 2 = 50, 10 = 60 और एक मिनट इसे जोड़िए सभी लोग, एक बार क्या आएगा इसका, इसका वैल्यू क्या आएगा जरा जोड़िए सभी लोग, तो इसका वैल्यू क्या आएगा जरा जोड़ो सभी लोग, 106 देखिए 3 × 2 = 6, ये 3 × 3 = 49 नहीं होगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, तब इसका 106 वैल्यू आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 106 आएगा, ठीक है, इसी जोड़ोगे तो 106 आएगा,
यानी देखिए यहाँ पे ट्विस्ट क्या क्या है, हमेशा ये सभी चीज़ें आपको देकर मोलरता यम पूछता था, लेकिन इस बार कुछ ट्विस्ट किया है, आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यह पूछा है। तो भाई साहब अगर फार्मूला है तो ये भी पूछे, चाहे ये पूछे आप बता लोगे, कुछ भी पूछे आप बता लोगे, इस फार्मूले में तो वैल्यू रखना है बस केवल। अब यहाँ पे सब चीज़ें आ गई जो आपको दिया है, यहाँ पे क्या नहीं दिया है, आपको ये नहीं दिया है, आपको ये दिया हुआ है, ये आपको पूछा है, मोलरता देकर ये पूछा है, इसको ज्ञात करना है आपको, ज्ञात कर लीजिए। इसके यहाँ ये वैल्यू रखिए 1.m लिख दीजिए, इज इक्वल टू कर दीजिए ये w ग्राम में, ये मात्रा आपको पता ही नहीं है। नीचे देखिए स्मॉल m, स्मॉल m का वैल्यू होता है क्या, स्मॉल m का वैल्यू क्या है 106 है, कैपिटल बी का वैल्यू 500 बटे 1000, ठीक है 500 बटे 1000। आप इसे काट लो, डबल सुन्ना से डबल सुन्ना कर जाएगा, 5 × 2 = 1000, मतलब 1/2 हो जाएगा, और देखो 1/2 हो जाएगा, ठीक है इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/2 हो जाएगा W ग्राम में, ये हो जाएगा नीचे देखना 106 बटे 1/2, ठीक है यानी 0.1, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लेना, इसे सॉल्व कर लेना, कैसे सॉल्व करोगे, देखिए 1/2 ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, यहाँ पे देखो लिख रहे हैं मैं 0.1 इज इक्वल टू 2W ग्राम में मात्रा बटे 106, ये लिख सकते हो। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 0.1 को 1/10 लिख सकते हो इज इक्वल टू 0.1 को 1/10 लिख सकते हो इज इक्वल टू 2W ग्राम में अपान 106। देखिए अब ये आपका कितना हो जाएगा, 106/10·20, ये आ जाएगा शायद, ये हो जाएगा ना 10·20, 106 इज इक्वल टू, देखिए ये तिर्यक गुणा कर रहे हैं, ये 20W ग्राम में, ठीक है W ग्राम में, ये 106/20 इज इक्वल टू W ग्राम में, ठीक है। अब ये आप सॉल्व करोगे 20-25 यानी 5 पॉइंट कुछ आंसर में आएगा, 5.3, इसको सॉल्व करने पर भाग दे देना 5.3 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी उल्टा पुल्टा पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी उल्टा पुल्टा पूछ सकता है। अब हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं जो कि आपको घर से करके लेकर आना है, ठीक है, और घर से करके क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट कर देना है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर आप सभी के सामने 2 क्वेश्चन दिया गया है, ये 2 क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ये 2 क्वेश्चन मैं 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, सभी लोग एक बार ट्राई करना और सभी का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर कर लेते हो तो समझना आपको मोलरता ज्ञात करने समझ में आ गया। अब कल के लेक्चर में हम लोग मोलरता पढ़ेंगे, धीरे धीरे सभी चीज़ों को पढ़ते हुए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चीज़ों को समझते हुए चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। बस आप लोग इतना ध्यान देना, चीज़ों को रिपीट करते चलना, रिवाइज करते चलना, भूले ना, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वे सभी चीज़ें आपको भूले ना, वे सभी टॉपिक्स भूले ना, तो आप बहुत ही आगे जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।